साथियों हमारे साथ हैं सुनील मनचंदा जी। पिछले दिनों मनचंदा जी आपके खिलाफ एक ऑडियो वायरल हुई थी, लोग कह रहे हैं कि वो आपकी असली आवाज में थी, लोग कुछ लोगों का कहना है कि आपके विरोधियों की थी, तो आपका क्या इस विषय में मत रहेगा? मैं सुनील का मनचंदा, जो ये 3-4 दिन पहले मेरी कहते बात हुई थी जतिन भाई से, कहते उसमें कहते 5500 को लेके कहते जो भी बातें हुई हैं वो उसके अंदर एडिट भी हुई कहते बातें हैं बहुत सी, कहते जो है ऐसा कुछ नहीं है। कहते मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस के लिए रात दिन काम करता हूँ, और ऐसा कोई हमारे कार्यालय में ऐसी बात नहीं हुई है कि 5500 को लेके कहते जो है, मतलब ऑडियो फर्जी है एक तरीके से। हाँ, इसके अंदर कहते जो है कुछ बातें कहते जो है एडिट करके बनाई गई है कहते। मैंने पूछा भी था तो उन्होंने कहा मैंने वायरल नहीं करनी है ये कहते बातें, मतलब विरोध इस चीज को लेके कोई मेरी ऐसी 5500 को लेके कोई बात भी नहीं हुई थी कहते। मतलब आप ऑडियो का खंडन करते हैं पूरी तरीके से, फर्जी है ऑडियो। हाँ, उसके अंदर कहते जो है मैंने बात जरूर करी है, लेकिन कहते उसके अंदर कहते बहुत सी चीजें फर्जी बनाई हुई है कहते बातें हैं कहते। ठीक है, धन्यवाद। देखिए हमारे साथ जुनैद हसन जी हैं कांग्रेस पार्टी से। जुनैद हसन जी कोषाध्यक्ष के पद पे हैं। बताइए जुनैद जी, जो ऑडियो वायरल हुई थी आपकी पार्टी के एक नेता रहे हैं सुनील मनचंदा जी, तो क्या प्रकरण हुआ और क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? देखिए अभी गत दिनों जो पार्टी के हमारे कार्यकर्ता सुनील मनचंदा जी हैं और एक अमुक व्यक्ति जो कि और नाम के साथ एक ऑडियो वायरल हुआ, उस ऑडियो वायरल के संबंध में सुनील मनचंदा जी ने भी खंडन कर दिया है कि ये ऑडियो वायरल में जो उनसे बात तो हुई थी लेकिन इसमें एडिट करके अपनी तरफ से कुछ जोड़ दिया गया है। जो बातें उस ऑडियो में वायरल हुई हैं वो सुनील मनचंदा जी ने नहीं कही है। दिनेश दत्ता जी, जरा आपने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए, आप किस पोस्ट में हैं कांग्रेस पार्टी में? मैं दिनेश दत्ता, जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का जी, और मैं प्रशासन और कार्यालय का सारा प्रभार मेरे पास है। पिछले दिनों जो एक ऑडियो वायरल हुई है भोजीपुरा जो विधानसभा के आपके एक कैंडिडेट कहे जा सकते हैं सुनील मनचंदा जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सर वो तो उनकी आवाज़ को जैसा उन्होंने बताया कि उनकी आवाज़ को एडिट करके इस तरह का प्रचार प्रसार किया है, और जिन लोगों ने ये ऑडियो गलत तरीके से मनचंदा जी जैसा बता रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा है, अगर जारी की है तो उनके खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो हम कानून कार्रवाई भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ऐसे लोगों को अनुशासन बनाना हम सबकी और जो हमारे लोग हैं उन सबकी जिम्मेदारी है, और हम उस अनुशासन के को मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई के लिए हम संज्ञान में जो बातें आई हैं उस पर विचार करेंगे, और जरूरत हुआ तो निश्चित रूप से कानून कार्रवाई करेंगे। ठीक, धन्यवाद।